हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे केकेआर वर्सेस जीटी मैच का, केकेआर का फाइनल प्लेइंग 11 के बारे में। हाँ जी दोस्तों, आपको बता दें कि केकेआर का पिछला मैच आरसीबी के खिलाफ था। उस मैच में केकेआर का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है। उस मैच में केकेआर को 81 रन से बहुत बड़ी मार्जिन से जीत मिला था। फिर उसके बाद भी केकेआर को प्लेइंग 11 में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि केकेआर का ओपनिंग जुटी बहुत फ्लॉप था। दो मैच में ही केकेआर का ओपनिंग जुटी बहुत फ्लॉप है। उसके साथ साथ मिडिल ऑर्डर भी अच्छे नहीं चल रहे, इसलिए केकेआर का प्लेइंग 11 में बदलाव करना पड़ेगा। केकेआर का ओपनिंग पार्टनर चेंज हो सकते हैं। इस मैच में केकेआर के लिए ओपन कर सकते हैं अफगानिस्तान का विकेट कीपर बैट्समैन रहमान अल्लाह गुरबाज, और उसके साथ इंग्लैंड के ताबड़तोड़ बैट्समैन जेसन रॉय भी हाल ही में केकेआर के साथ जुड़ गया है, इसलिए इस मैच में वही ओपन करने वाला है। केकेआर के लिए 3 नंबर में बैटिंग कर सकते हैं वेंकटेश अय्यर, जिसको इंपैक्ट प्लेयर में शामिल किया जा सकता है। केकेआर के लिए नंबर 4 पर बैटिंग करेंगे कैप्टन नीतीश राणा, इसका फॉर्म भी अच्छे नहीं चल रहे, नीतीश राणा को भी बहुत अच्छे से खेलना पड़ेगा। नंबर 5 पर केकेआर के लिए बैटिंग करने वाले हैं रिंकू सिंह। पहले मैच में अच्छे नहीं गया था, उसके बाद पिछला मैच में बहुत अच्छा इनिंग्स खेला था। केकेआर के लिए नंबर 6 पर बैटिंग करने आएंगे केकेआर की जान एंड्रे रसेल। के फॉर्म अच्छा नहीं है ऐसा लोग बोल रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो पहले गेंद पर छक्का मारने गए थे, इसी चक्कर में आउट हो गए, इससे कोई बात नहीं। रसेल बहुत अच्छे फॉर्म में है, रसेल को फिटनेस भी बहुत अच्छा है, इसलिए वो इस मैच में मुझे ऐसा लगता है कि रन बनाएगा। आप केकेआर के एक बहुत बड़ा फैन है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रसेल इस मैच में रन बनाएगा या नहीं। रसेल के बाद केकेआर के लिए बैटिंग करने उतरेंगे लॉर्ड शार्दुल ठाकुर। ने दिखा दिया पिछले मैच में कि लोअर ऑर्डर में आके कैसे बैटिंग करना चाहिए। शार्दुल ठाकुर ने लोअर ऑर्डर में आके ऐसे बैटिंग की पिछले मैच में कि केकेआर का टॉप ऑर्डर फ्रीडम में बैटिंग कर सकते हैं हर मैच में। उसके बाद केकेआर के लिए बैटिंग करने आएंगे सुनील नारायण। नारायण एक मिस्ट्री स्पिनर है, उसके साथ साथ उसका पावर हिटिंग केकेआर को बहुत मदद देते हैं। सुनील नारायण का लोअर ऑर्डर में बैटिंग केकेआर को बहुत ज़्यादा फ्रीडम देते हैं बैटिंग ऑर्डर में। इसके बाद केकेआर के लिए नंबर 9 पर बैटिंग करेंगे उमेश यादव। एक फास्ट बॉलर है, उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा स्ट्राइक भी कर लेते हैं। उसके बाद केकेआर के लिए नंबर 10 पर बैटिंग करने आएंगे मिस्ट्री स्पिनर भरण चक्रवर्ती। ने तो पिछले मैच में बहुत अच्छे बॉलिंग किए थे, उसने 4 विकेट भी चटकाए थे, उसके साथ साथ उसका एक्यूरेसी बहुत अच्छा लगा है। उसको फॉर्म में देखकर केकेआर फैन को भी बहुत अच्छा लगेगा, उसके साथ साथ टीम मैनेजमेंट को भी अच्छा फील होगा। न्यूज़ जितना आ रहा है लॉकी फर्गुसन अभी भी फिट नहीं है, इसलिए मैं प्लेइंग 11 में लॉकी फर्गुसन को नहीं रखा है। मुझे लगता है इस मैच में 4 फॉरेन प्लेयर होगा, एंड्रे रसेल, सुनील नारायण, रहमान अल्लाह गुरबाज एंड जेसन रॉय। मुझे लगता है लॉकी फर्गुसन फिट नहीं है, इसलिए प्लेइंग 11 में फैरव अरोरा को मौका मिल सकते है, ये भी एक अच्छे पेसर है। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो। तुम्हारे सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।